चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संदेश ऐप। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कू ऐप पे, आप सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। जिस तरीके से कू ऐप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का विकल्प था, उसी तरह से संदेश को व्हाट्सएप का विकल्प समझा जा रहा है। इसी के बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे कि ये है क्या, इसे किस तरीके से बनाया गया है, इसमें क्या विशेषताएं हैं इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं संदेश ऐप के बारे में बात करना। सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर ही एक मैसेंजिंग ऐप बनाया है और इस मैसेंजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप की तरह नए प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। यह नया प्लेटफॉर्म मौजूदा सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम का अपग्रेड वर्जन है, जो सरकारी अधिकारियों को व्हाट्सएप के स्थान पर मैसेजिंग ऐप यूज़ करने के लिए बनाया गया था। यानी कि इसको पहले सरकारी अधिकारियों के लिए बनाया गया था और अब इसको पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे कि NICA ने इस ऐप को क्यों लॉन्च किया है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा का माना जा रहा है। मार्च 2020 में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और इसके बाद सरकार को अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए इस ऐप पर गति से काम हुआ। सुरक्षा कारणों से पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने अप्रैल में एक सलाह भी एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी विभागों को संचार के लिए जूम ऐप का, जो कि एक चाइनीज ऐप है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस जूम के अलावा ये भी बोला गया था कि इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म का, और व्हाट्सएप पर भी समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उसमें डाटा लीक की प्रॉब्लम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के ऐप को बनाने का विचार 4 साल पहले ही आ चुका था और इस ऐप पर काम भी 4 साल पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन पिछले साल जो भी घटनाक्रम हुए उसकी वजह से इसके काम में तेजी आ गई और ये अब बनकर तैयार हो गया। पहले इसको सरकारी विभागों में उपयोग में लाया गया और अब इसको पब्लिक के लिए खोला गया है, यानी कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म अब बन गया है। इस ऐप का उपयोग आप हम सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं संदेश ऐप के बारे में विस्तार से। अगस्त 2020 में NICA ने इस ऐप का पहला संस्करण लॉन्च किया और ये पहला संस्करण राज्य और केंद्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए था और इस ऐप का इस्तेमाल दोनों ही स्तर पर, राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी, कर्मचारियों के बीच में किया भी गया, जो कि बहुत ही उपयोगी और अच्छा माना गया। ऐप को शुरुआत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया, यानी कि जिनके फ़ोन में एंड्रॉयड है या जिनका फ़ोन एंड्रॉयड है उसमें इस ऐप को हम डाउनलोड कर सकते थे। बाद में इसका विस्तार iOS उपयोगकर्ताओं के लिए भी किया गया और ये ऐप बिल्कुल वैसी ही है जैसी मार्केट में दूसरी मैसेजिंग ऐप्स हैं, जैसे कि WhatsApp, लेकिन इसके कुछ फीचर उन ऐप से विशेष हैं जो कि इसको खास बनाते हैं। तो अगली स्लाइड में आइए देखते हैं वो फीचर्स क्या हैं। इसमें एक सबसे अच्छा जो फीचर्स है वो ये है कि दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में इसमें चैट हिस्ट्री का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, यानी कि आप संदेश में जो चैट हिस्ट्री है उसको आप टेलीग्राम पे या किसी और जगह पर नहीं भेज सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी गोपनीयता बनी रहती है। हाँ, आप उसको जिस ईमेल आईडी से आपने इस ऐप को बनाया है उस ईमेल आईडी पर आप इस चैट को भेज सकते हो, लेकिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप इसको नहीं भेज सकते। ये सेम फीचर व्हाट्सएप में नहीं है, तो ये व्हाट्सएप से इस वजह से अपने आप को अलग दिखाता है और ये मतलब कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी गोपनीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फीचर है, वो है गोपनीयता का, यानी कि कॉन्फिडेंशियल टैग का फीचर। इसके अंदर जब हम किसी दूसरे को मैसेज भेजते हैं तो हम उस मैसेज के साथ ये टैग लगाकर भेज सकते हैं कि ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल है,
यानी कि भेजने वाले को हम ये संदेश दे सकते हैं कि ये बातचीत आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, ऐसा कोई फीचर WhatsApp में नहीं है। तो ये दो फीचर जो इसके हैं ये अपने आप में इसको खास बनाते हैं और बहुत ही अलग करते हैं उन ऐप से जो बाहरी ऐप हैं या जिनका इस्तेमाल हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि गोपनीय टैग इसको खास बनाता है, इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात है, वो ये है कि इस ऐप के उपयोगकर्ता अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर जो है इस ऐप में अपने आप को इनरोल करते हैं। मान लीजिए मैंने संदेश में अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल कर अकाउंट बना लिया, तो उस फ़ोन नंबर और उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर मैं दोबारा से कहीं कोई अकाउंट नहीं बना सकती। मान लीजिए मैंने अपना अकाउंट डिलीट भी कर दिया, तो उस सेम फ़ोन नंबर और सेम ईमेल आईडी का उपयोग करके मैं दोबारा से अकाउंट नहीं बना सकती। इसका मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ, तो ये सुनिश्चित है कि ये मैसेज मैं ही कर रही हूँ। तो ये जो फीचर्स हैं ये अपने आप में इसको खास बनाते हैं। तो इस ऐप को लाने में जो एक भूमिका ये रही है कि सरकार के सारे आंकड़े सुरक्षित रहने चाहिए, उसके अलावा एक अभी कुछ दिन पहले ये बात भी आई थी कि WhatsApp से जो बहुत सारा डाटा लीक हो रहा है, तो इन्हीं सभी कारणों से ना केवल ये उपयोगी है, सुरक्षित भी है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हो रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि इस ऐप में कौन सी विशेषताएं हैं जो अपने आप में खास है। सबसे पहली विशेषता, ये ऐप भारत में बनी हुई है, यानी कि ये पूरी तरीके से भारतीय ऐप है। इसकी दूसरी विशेषता, मैसेज ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इसकी दूसरी खास विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि स्वदेशी होने के कारण आपका डेटा लीक नहीं होगा, यानी कि आपका डेटा कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकता, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता और आपका डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाएगा। इसमें एक और ख़ास फीचर है जो ये है कि यह ऐप नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के तहत बनाया गया है और यह ऐप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत ही उपयोगी है, या दूसरे एग्ज़ाम्स की वजह से भी, कि ये जो ऐप है किस मंत्रालय के अंतर्गत बनाई गई है। तो मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है विभाग, उसके द्वारा ये बनाई गई है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, संदेश ऐप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह भारत में बनाया गया ऐप है। कथन दो, मैसेज ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कथन तीन, यह ऐप नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के तहत काम करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हिस्सा है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए, केवल एक। विकल्प बी, एक और दो दोनों। विकल्प सी, दो और तीन। विकल्प डी, एक दो और तीन। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दें, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। तो चलिए अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है सी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.